तो यहां पर हम आपको बताएंगे रमन स्पेक्ट्रा। तो रमन स्पेक्ट्रा क्या है? प्रिंसिपल क्या है कि इट इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन मॉलिक्यूल के ऊपर। ये आपका मॉलिक्यूल अगर मान लीजिए है, इस तरह से इसको दिखा दिया जाए तो यू लेजर लाइट इसके ऊपर पड़ती है, तो ये फ्यू बहुत कम स्कैटर होते हैं लाइट, लेकिन होती हैं लाइक दिस इज द स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड फोटॉन। तो यह लेजर है। इसका रेंज क्या होता है? रेंज जो है आपका 100 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 400 सेंटीमीटर इनवर्स, माने आप कह सकते हो विजिबल टू नियर IR रीजन, इसके बीच में वेब नंबर है, इसका वेब नंबर और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आप जानते होंगे कि वेब नंबर इट इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, दिस इज द वेब नंबर, न्यू बार वेव नंबर। तो कहता है कि मुश्किल से एक या दो फोटॉन स्कैटर्ड होता है आउट ऑफ 10^6 to 10^8। इतने फोटॉन अगर यहां पर अगर स्ट्राइक करता है तो स्कैटर एक या दो होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए रमन स्कैटरिंग में जो हमको इंटेंसिटी मिलती है वो बड़ी वीक इंटेंसिटी होती है। अब कहता है कि स्कैटरिंग कितने प्रकार की होती है, तो स्कैटरिंग तो पहली बात तो हमने ये सिद्धांत में ये बता दिया, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इन इलास्टिक स्कैटरिंग का क्या मतलब होगा और इलास्टिक क्या होता है? तो इन इलास्टिक में डेल्टा ई ग्रेटर देन 0 हो सकता है या डेल्टा ई लेस देन 0 हो सकता है। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग। फिर कहता है कि दूसरा इसमें क्या सिद्धांत में है, नंबर दो पोलराइजेबिलिटी। ये बाकी स्पेक्ट्रा से ये फर्क है, माने चेंज इन डायमेंशन पोलराइजेबिलिटी। जब भी एनर्जी मॉलिक्यूल लेता है तो इसके डायमेंशन में चेंज होता है, पोलराइजेबिलिटी इसकी आती है, माने चेंज इन डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन को हम पोलराइजेबिलिटी के टर्म में देखते हैं। तो दो चीजें ये आप जानोगे, चूंकि ये बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब होती है मॉलिक्यूल के द्वारा,
इसका सिलेक्शन रूल क्या है? सिलेक्शन रूल, तीसरी बात इसके अंदर क्या कहेंगे? सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल में आप जब ये वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं, दीज आर द वाइब्रेशनल स्टेट। वाइब्रेशनल स्टेट को आप दिखाओगे, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर 0 ग्राउंड स्टेट, वाइब्रेशनल 1, वाइब्रेशनल 2, वाइब्रेशनल 3, लाइक दिस। तो इसके अंदर कहता है कि ये जो चेंज होगा वाइब्रेशनल स्टेट में, तो इसको कहेंगे डेल्टा भी, माने डिफरेंस। जैसे V1 - V0, V बराबर 0 माने ग्राउंड स्टेट, या 1 है, तो इसका दोनों का अंतर क्या हुआ? ये हो सकता है प्लस माइनस 1। प्लस का माने हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक वाइब्रेशनल से दूसरे वाइब्रेशनल में जाए, या दूसरे से तीसरे में जाए, तीसरे से चौथे में जाए। तो इसमें डिफरेंस आप देख रहे हो कि 1 है। दूसरा क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है यहां से यहाँ आवे, अब नीचे आ रहा है। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लाइक दिस। तो ये निगेटिव हो रहा है। तो आप देखो कि या तो ये डेल्टा भी का मान पॉजिटिव होगा, माने ऑब्जर्व कर रहा है, या एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आ रहा है, वाइब्रेशनल स्टेट कम हो रहा है। तो प्लस हो सकता है, या डेल्टा भी का मान -1 हो सकता है। इसके अलावा भी क्या है? इसके अलावा आप ये देखोगे कि वाइब्रेशनल स्टेट में चेंज होते हैं, लेकिन क्योंकि एनर्जी बहुत ही कम एब्जॉर्ब होती है, तो बहुत सारे रोटेशनल स्टेट होते हैं। यह रोटेशनल स्टेट है। रोटेशनल स्टेट को J=0, J=1, J=2 से दिखाते हैं। J क्वांटम नंबर है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। इसमें जो चेंज होता है उसको कहते हैं डेल्टा J। ये सिलेक्शन रूल है। डेल्टा J का मान 0 होगा या ±2 होगा। माने कहने का कि अगर डेल्टा J का मान 0 है तो ये कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले में नहीं जाएगा, दूसरे में जाएगा, लाइक दिस। या यहाँ पर है रोटेशनल स्टेट, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर है तो यह इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ जाएगा, लाइक दिस। तो इस प्रकार से आप जब ये एक्साइट होगा तो एक में नहीं, दो में जाएगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके सिद्धांत में क्या है। अब तीसरी बात जो आती है, स्कैटरिंग कितने प्रकार की होती है? स्कैटरिंग तो इन इलास्टिक होगी। ये आपको पहले याद रखना पड़ेगा कि फोटॉन की स्कैटरिंग इन इलास्टिक है। अब फोटॉन की ये जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग है, तो इसमें कौन सी एनर्जी कंजर्व नहीं होगी? जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी कंजर्व नहीं होती। कंजर्व माने जानते हो? हेलो, कौन सी एनर्जी कंजर्व नहीं होती, बोलिए। एनर्जी जानते होंगे, कई प्रकार की एनर्जी होती है। तो विच टाइप ऑफ द एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन द रमन स्कैटरिंग, बोलिए। विच एनर्जी इज नॉट कंजर्व। आप जैसे क्वेश्चन लीजिए, या क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड, कंजर्व्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड इन रमन, रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग, विच ऑफ द एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन रमन स्कैटरिंग। नंबर एक टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। नंबर टू बी मोमेंटम, मोमेंटम। सी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। एंड डी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, डी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये क्वेश्चन अगर है तो आप इसका जवाब, कुछ आपके दिमाग में आ रहा है कि टोटल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं? ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब आप बहुत आराम से इस बात को दिमाग में सोच सकते हो कि जैसे यह एक दीवार है, इस दीवार पर एक बॉल आके टकराए और टकरा करके ये पीछे जाए, तो इसका अब यहाँ से चला था लेकिन अब यहीं आया, इसका माने क्या हुआ कि एनर्जी इसकी कम हो गई कि नहीं हो गई? हेलो हेलो, यस सर। दीवार, दीवार पे हम बॉल फेंकते हैं तो एक वेलोसिटी से जाता है, फिर जब लौट के आता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है या ज्यादा? रिड्यूस कम होती है, कम होती है, आप जानते हो क्यों? हर तरह के कोलिजन में यह बात होती है, ये जो बात मैं बता रहा हूं ये हर प्रकार के कोलिजन में होती है क्या? नहीं, इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वह चाहे वो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद बराबर होती है इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, इसका माने कि वह सुरक्षित नहीं है, कंजर्व्ड नहीं है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका माने इस सवाल का जो उत्तर आपको आएगा वो काइनेटिक एनर्जी है एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन रमन स्कैटरिंग। एंड व्हाट इज द रमन स्कैटरिंग? रमन स्कैटरिंग क्या है? इट इज इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। सो इन केस ऑफ इन इलास्टिक स्कैटरिंग दिस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो इस चीज को आप यह जान सकते हो कि ये कौन सी एनर्जी कंजर्व होती है, कौन सी एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इसके बाद एक बात का एक प्रश्न और आपको हम बतावें कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सपोज करो कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में तीन आइटम हैं ए बी एंड बी, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3n होता है, याद रखिएगा। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर इन द मॉलिक्यूल हैविंग n आइटम, तो एक क्वेश्चन में अगर ये 1 3n है या 2n है या 2n प्लस 1 है या 2n प्लस 3n प्लस 1 है,
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि अगर यन एटम मॉलिक्यूल में है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस इज द 3N। अब आप ये बता सकते हैं, आपको मैंने बताया भी था कि मॉलिक्यूल दो प्रकार के होंगे, या तो लीनियर होगा या तो मॉलिक्यूल बेंड होगा। लीनियर मॉलिक्यूल में मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने होते हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन लीनियर मॉलिक्यूल में मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था 3N डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3N-5 दिस इज द मोड ऑफ वाइब्रेशन। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर 3 आइटम हैं, तो 3 आइटम क्या होगा, 3 × 3-5 = 4, तो देयर विल बी 4 मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर बेंड मॉलिक्यूल लाइक वाटर मॉलिक्यूल, लाइक ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो इन दिस केस यू विल हैव 3N-6 मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है बेंड मॉलिक्यूल में। तो यू कैन राइट हियर 3 × 3-6 = 3, सो देयर आर 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल एंड बेंडिंग, 3 तरह का इसमें वाइब्रेशन होगा, इसमें 4 प्रकार का वाइब्रेशन होगा मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो दिस मस्ट बी नोन बिकॉज रमन स्पेक्ट्रा डील विद द वाइब्रेशनल ट्रांजिशन एंड रोटेशनल ट्रांजिशन। सो एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट एंड दैट कैन बी इंडिकेटेड बाय द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एंड रोटेशनल क्वांटम नंबर। Now, second thing, how many types of the scattering takes place? Molecule, जब फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है तो कितने प्रकार की स्कैटरिंग होती है? तो हमने एक क्वेश्चन आप समझो कि which of following is रेले स्कैटरिंग कौन सा फॉलोइंग में से, सपोज करो दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई एंड दिस इज द जेड। तो कहता है कि रेले स्कैटरिंग एक्स है या 2 वाई है या 3 जेड है, 4 नन, ये आपको ऑप्शन दिया है। तो डू यू नो अबाउट द टाइप ऑफ द स्कैटरिंग इन रमन स्पेक्ट्रा? हेलो, आप जानते हैं कि रमन स्पेक्ट्रा में कितने प्रकार की स्कैटरिंग होती है? नहीं जानते हैं तो देख लो, क्योंकि आप लोग तो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया 3 प्रकार की स्कैटरिंग होती है। एक स्कैटरिंग सपोज करो कि ये वाइब्रेशनल स्टेट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो ये जाता है वर्चुअल स्टेट में, दिस इज द वर्चुअल स्टेट, वर्चुअल स्टेट। अब वर्चुअल स्टेट से अगर ये इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ रुक गया, यह वाइब्रेशनल स्टेट यहाँ पर है, ग्राउंड पे नहीं आया, यहाँ पर V = 0 है, V = 1 है। तो सपोज करो वर्चुअल स्टेट से आया, यहीं रुक गया, तो इसको हम कहते हैं स्टोक्स लाइन। क्या कहते हैं? स्टोक्स लाइन, रमन स्टोक्स लाइन। एक ऐसी स्कैटरिंग होती है
कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के वर्चुअल स्टेट में गया और फिर इसके बाद वापस आ गया ग्राउंड स्टेट पर, दिस टाइप ऑफ द स्कैटरिंग। तो दिस टाइप ऑफ द स्कैटरिंग, इसमें हमने आप देख रहे हो कि न्यू आई और यह न्यू एस है। न्यू एस इज द, व्हाट इज द न्यू एस, व्हाट इज न्यू एस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, यह इंसिडेंट है, न्यू आई इंसिडेंट है, न्यू एस स्कैटर्ड है। तो जब स्कैटर्ड छोटा होगा और इंसिडेंट बड़ा होगा, न्यू आई ग्रेटर देन न्यू एस, दिस कंडीशन, इसमें क्या होगा कि न्यू आई माइनस न्यू एस बराबर डेल्टा न्यू, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव। तो ये है आपका स्टोक्स लाइन बनेगा। यहाँ क्या है, यहाँ पर न्यू आई इज इक्वल टू न्यू एस, दिस इज द स्कैटर, न्यू आई इक्वल टू न्यू एस, इसको बोलते हैं रेले, रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद है कि आपका जो मॉलिक्यूल है बहुत कम संख्या होती है, लेकिन वो एक्साइटेड, ऑलरेडी एक्साइटेड है। अब यहां से जब स्ट्राइक करेगा फोटॉन, तो इट विल गो टू वर्चुअल स्टेट, वर्चुअल स्टेट में यह जाएगा, और वर्चुअल स्टेट से जब यह वापस आएगा तो ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो दिस इज द न्यू आई फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर लाइट, एंड नाउ दिस न्यू एस इज ग्रेटर देन न्यू आई। इसके अंदर क्या होगा, न्यू आई माइनस न्यू एस बराबर निगेटिव, निगेटिव। तो इन दिस वे जस्ट सी, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये बीच में है। हमने आपको सवाल क्या दिया कि एक्स वाई जेड ये तीन दिया गया है आपको स्कैटरिंग कंडीशन। तो कहता है कि क्वेश्चन में दिया है कि व्हिच ऑफ द स्कैटरिंग इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग। आप फिगर से देख रहे हो कि दिस इज द मिडिल, मिडिल में क्या है, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर लाइट, देयर इज नो चेंज बोथ। इसका माने कि कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये जितना कोलिजन किया फोटॉन वो सब के सब क्या हो गया, सभी ट्रांसमिट, ये स्कैटर्ड हो गया। यहाँ क्या कहता है कि जब फोटॉन स्ट्राइक किया ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल को, तो ये इलेक्ट्रॉन वर्चुअल स्टेट में गया, वर्चुअल से जब आया तो कुछ क्वांटम ऑफ द एनर्जी रिटेन्ड बाय द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ने कुछ एनर्जी रिटेन कर लिया। जब एनर्जी रिटेन करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो बिहेवियर है स्कैटरिंग का, इसको हम स्टोक्स लाइन कहते हैं या रमन स्टोक्स लाइन कहेंगे। तो इसके अंदर ये कंडीशन है, एंड दिस डेल्टा न्यू इज द रमन शिफ्ट। इस चीज को आप ध्यान रखो कि जब भी रमन शिफ्ट पॉजिटिव होगा, स्टोक्स लाइन होगी, रमन शिफ्ट डेल्टा न्यू का मान अगर ये नेगेटिव होगा, देन इट इज द एंटी स्टोक्स लाइन। और ये क्या है, ये रमन की रेले स्कैटरिंग है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रेले की होती है और उससे कम इंटेंसिटी किसकी होगी, स्टोक्स की इंटेंसिटी होगी, और सबसे कम, क्योंकि जितना ही वेवलेंथ ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वेवलेंथ ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी कम होगी। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान से, किताब तो है नहीं आप लोगों के पास, आप लोग तो ऐसे ही देख रहे हो, फिर भी हम यह प्रयास करेंगे कि आप जो है थोड़ा सा जाने। आपके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से 10 सवाल आएंगे, चाहे वो आईआर हो या रमन हो या यूवी हो, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे लो। आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कंसेप्ट उसका आपका क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे। तो
ये आज हमने रमन के बारे में बताया, कुछ क्वेश्चन और भी हम आपको हल कराएंगे। थैंक यू।